नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रखंड कार्यालय में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लातेहार जिले में आगमन को लेकर दिन गुरुवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं और क्षेत्र के विकास कार्यों में हो रही कमियों से अवगत कराने की बात कही गई। बैठक में बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई। मौके पर JMM प्रखंड अध्यक्ष सिखेश्वर राम ने कहा कि हमारे जिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत जल्द आगमन हो रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनिका विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन का विधायक होने के बाद भी विकास का कार्य नहीं होना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री को अवगत कराने का काम करेंगे। वही जीप सदस्य बलवंत सिंह ने कहा कि 2023 नए वर्ष के अवसर पर जिले के स्टेडियम में मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर आज बैठक की जा रही है। बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों से कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लातेहार जिला में इसी महीना में आने का एक प्रस्ताव मिला हुआ है और आजकल एक दो दिन के अंदर डेट भी मिल जाएगा। उसी के तैयारी के लेकर पंचायत प्रखंड और पंचायत स्तर का कार्यकर्ता के साथ बैठे हुए हैं और प्रखंड का कुछ मामला है ऐसे कि हम लोग विकास से बहुत दूर हैं विधायक रहते हुए गठबंधन का, और इसी उद्देश्य के लेकर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन हो है लातेहार जिला में, आज प्रखंड कार्यालय से पर बैठे हुए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के साथ हम लोग बैठे हुए हैं विधिवत रूप से। पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर बूथ स्तर तक हम लोग बैठे। नव वर्ष में जनवरी इसी मंथ में जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होने वाला है लातेहार जिला में खेल स्टेडियम में। उसी को लेकर के जो है JMM के मनिका प्रखंड के 15 पंचायत से सभी सक्रिय सदस्य जो हैं कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं कार्यक्रम को लेकर के। वी टाइम न्यूज़ के लिए मनिका से दीपू कुमार की रिपोर्ट।